कहिए कैसे हैं आप, निराशा को कैसे दूर करें, हमारे अंदर जो बैठी हुई है ना डिसअपॉइंटमेंट उसको कैसे दूर करें। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड आई, उनका ना 10th क्लास में बेटा पढ़ता है, तो वो जैसे ना पहले उसने मुझे दिखाया था, वो ना पोएम्स बहुत अच्छी लिखने लगा था। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको कहा कि तो बहुत अच्छी है, और मैंने उसको एनकरेज भी किया कि आप ना स्कूल मैगजीन में होता है ना जैसे स्कूल का न्यूज लेटर आता है उसमें भी दो, ये बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो जब आज आए वो लोग और मैंने उससे पूछा कि क्या रहा और कौन कौन सी कविताएं लिखी, किस किस बारे में लिखी, तो उसने बोला उसने लिखना ही बंद कर दिया। इतनी हैरानी हुई कि क्या हुआ, तो उसने बोला लोग जो है उसके फ्रेंड्स जो है वो एनकरेज ही नहीं करते, मोटिवेट ही नहीं करते, कोई कहता ही नहीं है कि अच्छी लिखी है, तो मैं क्या करूं लिखी। तो इतना फील हुआ मुझे, मैंने कहा कि आप रिमोट कंट्रोल हो गए, कि कोई कह रहा है कि हाँ अच्छी लिखी है तो आपने लिखना शुरू कर दिया, वो कह रहा है अच्छी नहीं लिखी तो आपने लिखना बंद कर दिया। अगर कोई आपके लेखन में आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको आपका लेख आर्टिकल पसंद नहीं आ रहा या एनकरेज नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप अपनी कला को अपनी प्रतिभा को कटघरे में किस लिए रख रहे हो, आप डीमोरलाइज किस लिए हो रहे हो, ये उनकी सोच है, उनकी उनको मुबारक। आपका काम तो होना चाहिए लिखते रहना, लगातार लिखते रहना, कोई कह रहा है नहीं कह रहा, लोगों की तो बोलने की बहुत आदत होती है, आप तो खुशकिस्मत हो कि आपको कोई कुछ कह नहीं रहा। असल में ये प्रॉब्लम ना हम सभी के साथ होती है, किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी फील्ड में हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, हमें एनकरेजमेंट नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि नहीं हम तो बेकार कर रहे हैं, मतलब लोग भर भर के हमें प्रशंसा करें कि वाह वाह बहुत अच्छा तुम तो कमाल करो, तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये सरासर गलत है। जब हमने कुछ सोच लिया ना, एक लक्ष्य बना लिया कि हमने करना है तो करना है, फिर अनसुना अनदेखा कर देना चाहिए हर बात को, नहीं ध्यान देना चाहिए किसी भी बात पे, और किसलिए दें, क्यों भाई। ये जो प्रतिभा होती है ना हर किसी में, भगवान ने जो दी है सबको अलग अलग दी है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, हमें अपनी प्रतिभा को आगे लाना चाहिए, ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि कोई एनकरेज नहीं कर रहा। हाँ अगर हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमें बहुत लॉस हो रहा है या कुछ और बात है, फिर तो हम सोचें उस बारे में, पर अभी तो स्टार्टिंग है, अभी से ऐसा सोच लेंगे। और जबकि आप अच्छा लिखते भी हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, ये चीज जो मैं बात कर रही हूँ ये तो मैं उस 10th क्लास के बच्चे की कर रही हूँ, बाकी ये चीज कॉमन है, ये हर एक की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि ये गलत है। इस बारे में ना एक बहुत बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी है, बहुत टाइम पहले नेट पे पढ़ी थी और हमेशा मोटिवेट करती है ये कहानी। ये कहानी कुछ ऐसे है कि एक पहाड़ होता है, खड़ी चढ़ाई होती है ना जैसे स्टीप एकदम, और उस पर 10 लोग चढ़ रहे होते हैं। 10 लोगों ने एक लक्ष्य बनाया होता है कि हम चोटी तक पहुंचेंगे, तो जैसे जैसे वो चढ़ना शुरू करते हैं ना लोग आने शुरू हो जाते हैं, नीचे भीड़ जो होती है देखने वाले, और पहले तो वो आपस में फुसफुसाते हैं जो लोग होते हैं ना, फिर धीरे धीरे उनको बोलते हैं अरे वापस आ जाओ तुम नहीं चढ़ सकते, अरे क्या कर लो मर जाओगे, तो जो लोग उनकी आवाज सुनते हैं ना वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं हम, हाँ शायद हम ठीक ही नहीं कर रहे, मतलब जो उनका लक्ष्य था वो धीरे धीरे ना डाउन होने लगता है, और जब उसमें से देखते हैं एक फिसल रहा है, एक का बैलेंस नहीं बन रहा, तो और भी घबरा जाते हैं, तो क्या करते हैं 4-5 लोग नीचे उतर आते हैं और उनकी देखा देखी बाकी लोग भी नीचे उतर आए, सिर्फ एक आदमी रह गया जो कि ऊपर तक चले जा रहा था, और वो पहुंच भी गया ऊपर तक, चलता गया और वो पहुंच भी गया। जब वो नीचे आया तो लोगों ने उसको घेर लिया, अरे क्या कर रहे थे तुम तो मर भी सकते थे, तुमको पता है इतनी खड़ी चढ़ाई है, इतनी मुश्किल पहाड़ी है, ये तुमने ये रिस्क क्यों लिया। तो एक भीड़ में से आवाज आई, बहरा होगा ये, सुनाई नहीं देता होगा इसको, तो उस आदमी ने पता है क्या कहा, हाँ मैं बहरा हूं पर नेगेटिविटी के लिए, जो लोग नकारात्मक बातें बोलते हैं ना उनके लिए बहरा हूं, मुझे सब सुनाई देता है पर नेगेटिविटी नहीं सुनाई देती, मैं सुनना ही नहीं चाहता वो चीजें, उसके लिए तो मैं था बहरा, बहरा हूं और बहरा ही रहूंगा, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, मैंने ऊपर चढ़ना है यानी चढ़ना है, इधर उधर की आवाजें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मैं उन चीजों को अनसुना कर रहा हूं, अनसुना करना चाहता हूं, मैं सुनना ही नहीं चाहता, ये होना चाहिए। और हम लोग किसी की एनकरेजमेंट नहीं मिलती तो चुपचाप सिर झुका के बैठ जाते, किस लिए बैठे, नहीं कर रहा तो उसकी सोच है, हमें क्या मतलब, हमने तो करना है, बस यही चीज लेके चलनी चाहिए दिमाग में।
अब मैंने उसको समझाया तो है, देखते हैं क्या होता है, हो सकता है अगली बार आए तो कविता लिख के लेके आए। तो आप बताइए वैसे मुझे कि क्या करना चाहिए उसको, उसको लिखना छोड़ देना चाहिए या लिखते रहना चाहिए? अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिर कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।